नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर में हर्ष फायरिंग और हथियार प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। गत रोज मुरार के बंसीपुरा इलाके का एक ऐसे ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें युवक सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते नजर आए। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के पास जब यह वीडियो वायरल पहुंचा तो क्राइम ब्रांच ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच द्वारा वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान और उनमें से दो युवकों को पुलिस द्वारा दबोचकर उनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले में दो अन्य आरोपियों की अभी पुलिस को तलाश है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP राजीव डंडोतिया ने कहा है कि इस तरह के हथियार प्रदर्शन की घटनाओं को रोकने के लिए क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें ऐसे वीडियो वायरल होने की घटनाओं में कमी आई है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया पर इस तरह की अवैध गतिविधियों का प्रदर्शन न करने की अपील भी की है। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था कट्टे को लेकर, उसमें ये एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तीन लोग वेपन्स को शो कर रहे थे। तो इसमें चूंकि जब आइडेंटिफिकेशन किया गया तो मुरार क्षेत्र के निकले बंसीपुरा के, तो इसमें तत्काल DI मुरार को बताया गया और पूरी टीम लगाई गई। तो मुरार की टीम के द्वारा इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, दो आरोपियों से दो वेपन्स भी जब्त कर लिए गए हैं और तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। ये लगातार चूंकि युवाओं में ये जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है अभी, इसमें लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें क्राइम ब्रांच ने भी, अगर आपको पिछले 4 महीनों में काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की है क्राइम ब्रांच के द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा, थानों के द्वारा भी ये कार्रवाई की गई है। तो अभी कुछ दिनों से ये ट्रेंड बढ़ा है जिसमें कि क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई कर इन पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई, काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। इसमें कुछ इक्का दुक्का घटनाएँ होती हैं, उसमें भी हम आरोपी को आइडेंटिफाइड करके उसको भी गिरफ्तार करके फिर वैधानिक